उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के भीमगोंडा बांध से पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गंगा खादर इलाके के दर्जनों गांव की मुसीबतें बढ़ने लगी है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर सड़कों का पानी किसानों के खेत में जा पहुंचा है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। जब बाढ़ का पानी आया कितनी बार आ गया? ये तो जब का बाढ़ बरसात चली पानी चल ही रहा। अच्छा, यहाँ जो है कितने लोगों की आबादी होगी? हमारी है 1000 लोगों की। अच्छा, यहाँ जो फसलें तबाह है कितनी फसलें तबाह? फसल कम से कम 60% का नुकसान तो हो चुका। 65 से ऊपर ही है, कम नहीं। अच्छा, इसमें आप सरकार से क्या चाहें? सरकार से क्या चाहते हो? सरकार को दे नहीं, क्या कहें सरकार से? सरकार तो छोड़ रही है, सरकार तो दंगे करा रही है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है। इसमें पशुओं के लिए चारे की भी दिक्कत बहुत ज्यादा। अब ये देखिए, घास काट के पता नहीं कहाँ से लाए हैं, ये बुग्गियाँ देख रहे हैं आप। चारे क्या, ये जो गन्ने की फसल है इसमें 60-65% नुकसान हो चुका है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर लोग पानी से भरे सड़क को पार कर रहे हैं। वहीं सड़कों पर भरे पानी को देखकर लोगों में डर बना हुआ है। किसान बैलगाड़ी में सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये पानी सारा बरसात का ही है, ये जो बाढ़ है, गंगा जी की बाढ़ है, ये जो बार बार बैराज पे रोक के पानी छोड़ा जा रहा है। पहले तो पिछले वालों को परेशान करते हैं, उसके बाद जब पानी छोड़ते हैं उसके बाद आगे वाले डूब जाते हैं। जलीलपुर क्षेत्र में कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हैं? जलीलपुर क्षेत्र को सारे गांव से बाढ़ से प्रभावित है। तकरीबन मुझे लग रहा 12 गांव होंगे जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। और सभी में जो सीकरी गाँव है इनमें, उसमें तो 100% नुकसान हो चुका है फसल का और घरों में पानी है लोगों को। तो इसमें आप प्रशासन से क्या चाहेंगे? शासन से तो हम यही चाह रहे हैं कि जितना नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा हमें दिया जाए। जितनी भी फसल का नुकसान हुआ है, अब आप लगाओ एक एकड़ गन्ना लगाने में ज़्यादा नहीं 35,000 रुपये खर्चा आ रहा है किसान का। तो आप देख लीजिए अब उस हिसाब से उसमें खाद पानी, और अब तक जो है आगे किसान क्या सोचता है कि जब फसल डालें कुछ बचत होगी, वो भी खत्म हो गई। अब आगे जब बोएंगे उस फसल को और किसी फसल को, वो भी जेल से खर्च कर। इधर पशुओं के लिए चारे की क्या व्यवस्था है? कोई चारे की व्यवस्था नहीं है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई नाव का इंतजाम है और ना ही कोई चारे का, भूस का, किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं। अच्छा, लगभग कितने बार ये बाढ़ का पानी जो है? ये जी 11 तारीख पिछले महीने की 11 तारीख से बाढ़ का पानी चल रहा है, तकरीबन 1 महीना हो गया और ये पांडव नगर चौकी का 5वीं बार ये पानी पार हो चुका है। बहरहाल लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश का कई इलाका जलमग्न हो गया है। ऐसे में लोगों के पास खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। इलाके के लोग प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लाइव इंडिया हरपल के लिए दानिश मिर्जा की रिपोर्ट।